हेलो गाइस, मैं हूँ वर्नाली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्नाली द रेनबो। सो गाइस, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। सो बिना लेट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, देखिए हमने यहाँ पे रेड बिल्कुल फ्रेश गाजर ले लिए हैं एंड इसके छिलके इस तरह से हम हटा ले रहे हैं। छिलके हटाने के बाद हम इसे पानी से इस तरह अच्छी तरह धो लिए हैं एंड अब हम गाजर के ऊपरी एंड निचले वाले हिस्से को इस तरह थोड़ी थोड़ी काट लेंगे एंड अब हम इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। सो गाइस, देखिए ग्रेटर से हमने ग्रेट कर लिया है। अब हमें गाजर के हलवा के लिए चाहिए शुगर, कुछ ड्राई फ्रूट्स, इलायची, हमने देसी घी ले लिया है। गाइस, हम यहाँ पे हाफ लीटर दूध ले लिए हैं। देखिए हम कढ़ाई चढ़ा लिए हैं और एक साइड हम दूध भी चढ़ा लिए हैं। दूध को हम खौला खौला के इसे खोआ टाइप बना लेंगे। देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हमें ग्रेट किए हुए गाजर को इसमें निकाल लेने हैं। अब इसे हम कुछ देर चला लेते हैं। कुछ देर चलाने के बाद अब हमें इसे ढक के 10 मिनट के लिए मीडियम स्टीम में छोड़ देना है। देखिए फ्रेंड्स, इधर हमारे दूध भी खौल चुके हैं। इसे हम मीडियम स्टीम में इसी तरह चलाते रहेंगे। अब हमें इसमें थोड़ी सी अमूल पाउडर ऐड कर लेनी है। इससे मिल्क थोड़ी जल्दी से गाढ़ी बन जाएगी। 10 मिनट हो गए हैं, अब ढककर हटा के देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गाजर हमारी हल्की सीज गई है। अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे एंड गाइस, अब हमें इसमें थोड़ी सी सॉल्ट ऐड कर लेनी है। अब गाइस, इसे हम मिक्स कर लेंगे। कुछ देर चलाने के बाद हमें इसे फिर से ढक के रख देनी है 5 मिनट के लिए। सो गाइस, देखिए ढक्कन हटा के हम चेक कर लेंगे। गाजर हमारी सीज के बिल्कुल आधी हो गई है। अब हमें इसमें शुगर ऐड कर लेनी है। तो चलिए अब हम कुछ देर इसे चला लेंगे। अब हमें 2 इलायची इस तरह कूट के गाजर में ऐड कर देनी है। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर एंड बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। गाइस, हमें मिल्क को भी बीच बीच में इस तरह चला लेनी होगी ताकि ये नीचे से चिपके ना। देखिए हमारा गाजर बिल्कुल अच्छी तरह सीज चुका है एंड हमारी मिल्क भी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे गाजर के हलवे में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से चलाते रहनी होगी ताकि ये नीचे से चिपक ना जाए। अब हम इसके ढक्कन लगा देते हैं एंड गाइस, बीच बीच में ढक्कन हटा के हमें इसे चला लेनी होगी। देखिए गाइस, गाजर इस मिल्क को सोक कर लिया है। इसी तरह से हमें बीच बीच में चला के इसे फिर से ढक देनी होगी। सो गाइस, देखिए हमारा हलवा ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे एंड इसमें हम 1 स्पून देसी घी निकाल लेंगे। सो घी मेल्ट होते ही हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स निकाल लेने हैं। इसे हल्की फ्राई करने के बाद हम इस तरह इलायची 2 कूट के इसमें ऐड कर लेंगे। अब हमें इसे हलवे में छौंक लगा लेनी है। देखिए हम इसे इसमें मिला लिए हैं।
अब इसे अच्छी तरह एक बार चला लेंगे। चलाने के बाद गैस आप बस 2 मिनट के लिए इसे ढक के रख दें। 2 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा लेते हैं। तो गैस देखिए हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है एंड गैस बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सो इस तरह से आप गाजर के हलवे घर पे ज़रूर ट्राई करें। Thanks for watching my video. Please subscribe my YouTube channel. Do like, share, comment. Also hit the bell icon. Stay tuned. Thank you.